आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कलेक्टर महोदय दतिगारा पहुँचे। कडोद कला आपकी सरकार आपके द्वार के संबंध में आज कलेक्टर महोदय श्रीकांत बनोट अपने प्रशासनिक अमले के साथ आज गांव दत्तीगारा पहुंचे, जिसमें गांव की समस्याओं को समझा। कलेक्टर महोदय के साथ सभी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर महोदय को गांव के नागरिकों द्वारा कई समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें नाली निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल कूपन एवं जल भराव जैसी स्थितियों से अवगत कराया, आवेदन भी दिए गए। कलेक्टर महोदय एवं दूसरे समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल ही गांव का सर्वे किया एवं पात्र लोगों को योजनाओं से वंचित होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कलेक्टर महोदय ने गांव के शासकीय स्कूल में भी जाकर बच्चों एवं स्कूल की समस्या का हाल जाना, परंतु स्कूल की कई समस्या उजागर हुई। वहीं कलेक्टर महोदय ने कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी को पढ़ने को कहा, जिसमें विद्यार्थी हिंदी की किताब पढ़ने में असमर्थ रहा, जिससे कलेक्टर महोदय ने शिक्षकों व प्राचार्य को फटकार भी लगाते हुए कहा कि अगर देश के भविष्य का यह हाल है तो हमारे देश की प्रगति कैसे होगी। कलेक्टर महोदय द्वारा आंगनवाड़ी का भी सर्वे किया गया। आंगनवाड़ी के अधिकारियों ने बच्चों की संख्या व आंगनवाड़ी के हाल पर चर्चा की। बच्चों के लिए भोजन के बारे में भी पूछताछ की एवं अन्य गांव से जुड़ी सड़कों, पुलिया, किसानों की यूरिया खाद की समस्या के निराकरण के आदेश भी दिए। तत्पश्चात गांव पंचायत दत्तीगारा में कलेक्टर महोदय द्वारा शिविर का भी आयोजन किया गया व आवेदन पत्र लिए गए, जल्द ही कार्यवाही के आदेश दिए गए। कलेक्टर महोदय के साथ धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह, बदनावर एसडीएम नेहा साहू, नायब तहसीलदार मनीष जैन एवं कानवन थाना टीआई कमल सिंह गहलोत, ग्राम पंचायत सरपंच काना सिंह चौहान, उप सरपंच सुनील परमार, सचिव नानूराम परमार, सह सचिव बाबूलाल गेहलोत एवं गांव के सभी चौकीदार व ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। धार जिले के कडोद कला से कृष्णा मारू के साथ कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। आपके सरकार आपके द्वार में आए, लोग बदनावर ब्लॉक में आए, नाता में सत्यगारा में हम लोगों ने अपनी गांव में ग्रामीणों से चर्चा की और गांव के जो छोटे मोटे समस्याएं थी, एक पीएम के नाली बने, लोगों ने रिकमेंड किया तो उसको नाली बनाने का सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ पे सारे शासकीय भवन है, यहाँ पे बारिश के समय पूरा भर जाता है एक पुलिया के कारण, तो उसको तत्काल हम लोग कैसे उस पुलिया को डाइवर्ट करके सुधार सकते हैं, उसको आरईएस एस्टिमेट अभी आज बना देंगे, तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। स्कूल में विद्यार्थियों की बच्चे संख्या भी कम रही है और यूनिफॉर्म भी विदाउट यूनिफॉर्म में भी कुछ बच्चे देखते हैं। आज हम लोगों ने स्कूल में विजिट किया है, उसमें विलम्ब डेफिनेटली हुआ है, जिसके लिए हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जिनके स्तर से विलम्ब हुआ है मैंने बीआरसी को नोट कराया है, तो उसमें अभी इन लोगों ने डिसाइड किया है उनके यूनिफॉर्म के साथ साथ जूते और बाकी सब भी उनके दो दिन में ये व्यवस्था करेंगे। तो ये व्यवस्था सर, बच्चे देश का भविष्य होता है, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रही, 7 क्लास के बच्चे को बहुत बड़ी, हम लोगों ने ये महसूस किया कि हालांकि इसमें अलग अलग समूह बनाते हैं जो बच्चे के स्तर के हिसाब से ABC ऐसे, और सबसे जो कमजोर जो समूह था उसके बच्चों को 7वीं में अगर हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ही, लेकिन ये बता रहे कि प्रयास किया जा रहा है इस बार, और मैं समझता हूँ कि आगे जाके उनकी स्तर में सुधार होगी, लर्निंग आउटकम्स हम लोग ध्यान देंगे। और पूरे जिले में एक बार हम लोग ने शुरू किया है कि बच्चों के लर्निंग